देखिए ये एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहता है कि ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ए बी डी एक ट्रायंगल है, ए बी डी एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल एट ए, ए पे 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ए सी बी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये तीन आपको प्रूविंग दिए हुए हैं, पहला ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड तीसरा ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। गिवन में हम लोग लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी और एंगल बी सी ए और ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, प्रूफ में हम लोग ले लेते हैं ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये बड़ा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए दोनों में एंगल बी कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी ये कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में है एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको ले लिया है। तो देखिए अब दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल, देखिए ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ए लिखेंगे, सी बी ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ए के इक्वल सी है, एंगल ए के इक्वल एंगल सी है, तो यहाँ एंगल ए हम लोगों ने शुरू में लिखा है तो एंगल सी शुरू में लिखेंगे, बी दोनों में कॉमन है तो बी बीच में है तो दोनों का बीच में लिखेंगे और ऑब्वियसली ए यहाँ जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, ए ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो जाने से क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, यानी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, सी बी या बी सी एक ही टर्म होता है, इज इक्वल टू बी डी, बी डी बाई बी ए या ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए डी बाई सी ए या ए सी, ये आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमको क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर। तो देखिए इस दोनों को अगर हम लोग लेते हैं तो हमको ए बी स्क्वायर मिल जाता है और ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, देयरफॉर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। देखिए फर्स्ट प्रूव हो गया यहाँ पर हमारा, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये अब शुरू में हम लोगों ने जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर लेने का जो वर्क किया या जो स्टार्ट किया वो हम लोग कैसे सोचेंगे कि इसी को हम लोगों को लेना है। इसके लिए देखिए गिवन जो है उसको देखते हैं, सॉरी जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। प्रूव करना है हमको ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो देखिए ये दोनों हम लोगों को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग एक रफ़ वर्क कर लेते हैं। देखिए रफ़ वर्क क्या होता है, ये रफ़ वर्क हो गया। रफ़ वर्क में हम लोग लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये आ गया। तो ए बी स्क्वायर को हम लोग ए बी इंटू ए बी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी हो गया। अब किसी एक टर्म को इधर ले जाते हैं और इधर से एक टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया ए बी बाई बी सी इक्वल टू बी डी बाई ए बी आया। तो देखिए दो साइड्स के रेशियो हम लोगों को मिल रहे हैं ए बी और बी डी, तो देखते हैं ए बी और बी डी किस ट्रायंगल का साइड है।
तो देखिए ए बी और बी डी, ये ए बी सी ट्रेंगल का साइड है, और नीचे देखिए बी सी एंड ए बी, बी सी बी सी एंड ए बी, देखिए इस ट्रेंगल का साइड है। तो ऑब्वियसली अगर इस बड़े ट्रेंगल और इस छोटे ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और ये जब मिलेगा तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको ले आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सोचेंगे, ठीक उसी तरह से हम लोग सेकेंड और थर्ड को भी प्रूव करेंगे। सेकेंड में भी हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलरली देखिए ए, इसको हम लोग ले लेते हैं बी सी इंटू सी डी, ये बड़ा ट्रेंगल और ये छोटा ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल देखिए, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, ए सी डी, देखिए डी दोनों का इक्वल है, सॉरी कॉमन है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन हो गया, ठीक है। एंड एंगल ए 90 डिग्री और इसका एंगल सी 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी दिस इज 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री है तो हो जाएगा कि ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर, देखिए ए बी डी सिमिलर, तो ए के इक्वल इसका सी है, तो शुरू में ए लिखे हैं, तो इस ट्रेंगल का हम लोग पहले लिखेंगे सी, और डी लास्ट में है तो डी दोनों का कॉमन है, तो इसका हम लोग लिखेंगे सी ए डी, सी ए डी, देखिए डी लास्ट में है तो इसका भी डी लास्ट में लिखेंगे, चूँकि डी दोनों का इक्वल है, ये सिमिलर हो गया। बाय ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी, तो ए ए सिमिलरिटी से जब ये सिमिलर हो गया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, मीन्स ए बी बाई सी ए इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, ए डी देखिए ए बी बाई सी ए, इसको हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं, एंड बी डी, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी और यहाँ पर भी सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोग को क्या लाना है, ए सी स्क्वायर, देखिए ये है ए सी, ए सी स्क्वायर, तो ए सी इंटू ए सी कहाँ आता है हमारा, ए बी डी एंड ए सी, सॉरी ये सेकेंड नहीं थर्ड प्रूव हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, देखिए ए डी, ए डी और ए डी, इसको हम लोग ले लेते हैं, सेकेंड यहाँ नहीं प्रूव हो रहा है, थर्ड हम लोग लेंगे ए डी एंड ए डी, इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये हो जाएगा बी डी इंटू सी डी, तो थर्ड प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड प्रूव करने के लिए ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। देखिए सेकेंड प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये छोटा ट्रेंगल और ये छोटा ट्रेंगल भी आपस में सिमिलर होगा, कैसे होगा देख, चलिए हम लोग फिगर में आते हैं। मान लीजिए कि इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं थीटा, तो ए बी डी ये एक ट्रेंगल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा, तभी इसमें 90 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो चलिए ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आ जाइए इस ट्रेंगल में ए सी डी में, ये कितना है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस छोटे ट्रेंगल में और इस छोटे ट्रेंगल में। नाउ इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए सी बी, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रेंगल ए सी डी, ए सी डी, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दिस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंस एंगल डी इक्वल टू थीटा, इसको थीटा डिग्री हम लोगों ने लिया है। अब देखिए ये 90 है और ये 90 है, तो एंगल ए सी बी,
एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी दिस इक्वल टू 90 डिग्री, therefore triangle ABC, triangle ABC similar triangle, देखिए ABC इसका हो जाएगा DAC, चूँकि A के इक्वल B होगा, चूँकि देखिए B के इक्वल इसका एंगल A है, तो यहाँ हम लोग B बीच में लिखें तो इसका A हम लोग बीच में लिखेंगे, और दोनों का C इक्वल है तो C इसका लास्ट में लिखें तो इस ट्रेंगल के भी लास्ट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी ए डी ए सी, ये सिमिलर हो गया। तब इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में होंगे, तो बाय ए ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी से ये इक्वल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे कि ए बी बाय डी ए, देखिए ए बी बाय डी ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी दिस इज इक्वल टू ए सी बाय डी सी, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब आ जाइए ये बी सी इंटू डी सी, दिस इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, तो देखिए ये सेकेंड प्रूफ हो गया हमारा। इस तरह से तीनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इस बड़े ट्रेंगल को इस छोटे ट्रेंगल के सिमिलर दिखाया, फिर इस बड़े ट्रेंगल को इस छोटे ट्रेंगल के सिमिलर दिखाया, दो प्रूफ हुआ, और ये दोनों छोटा ट्रेंगल आपस में सिमिलर होगा तो ये सेकेंड प्रूफ हो जाएंगे। इस तरह से इसकी प्रूविंग है। ऐसे तो ये पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग सिमिलरिटी से ही प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ साइड्स के रेशियोज़ आते हैं। ये प्रूविंग रहा इस तरह का आपका।